हीरे की ढाणी में इस स्वागत सभा में बैठे हुए हमारे जिला परिषद के निर्वाचित जिला प्रमुख भाई महेंद्र चौधरी जी, हमारी राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी साहब, हमारे साथी विधायक रूपाराम जी, पद्माराम जी और भूतपूर्व जिला प्रमुख जैसलमेर के नैनराम जी, तमाम जिला अध्यक्ष फतेह मोहम्मद जी, नए चुने हुए प्रधान जिला परिषद के मेंबर, भूतपूर्व प्रधान, सरपंच साहिबान, बुजुर्गों और साथियों, आज की सभा का विषय नवनिर्वाचित जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि वो भविष्य में अपना राजनीतिक जीवन ईमानदारी से और कुशलता से निभाएंगे। इस मौके पे मैं इतना ही सभी को कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक जीवन एक कठिन जीवन होता है, जितना लोग आसान समझते हैं उतना आसान नहीं है। और हमारा सभी साथियों से बहुत अदब के साथ अर्ज है कि लाइन ईमानदारी पर रहें और किसी को पैसा और धन दौलत कमानी हो तो इन लाइन से बाहर रहें तो अच्छा है, लेकिन राजनीतिक लाइन में रह करके किसी इंसान को उंगली उठाने का मौका न दे, ऐसा अपना जीवन और रास्ता होना चाहिए। मैं मिसाल के तौर पे कुछ आपको बताना चाहता हूँ। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया 17 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और गवर्नर भी रहे, लोकसभा के सदस्य भी रहे। सुखाड़िया साहब का उदयपुर में एक घर जरूर उसका बनाया हुआ है, बना हुआ है, और 17 साल के मुख्यमंत्री की राजस्थान में दो नंबर की संपत्ति कहीं नहीं है। वो जमाना चला गया, उस जमाने के लोग ईमानदार थे और उन ईमानदार नेताओं की कमाई पर हम पनपे हैं। अपने जोधपुर के ही बरकतुल्ला खान राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल कैबिनेट के मिनिस्टर रहे और उसके बाप मारवाड़ गवर्नमेंट के देश दीवान रहे, उसके दादा भी मारवाड़ गवर्नमेंट के देश दीवान रहे। देश दीवान प्रधानमंत्री को कहते थे, यानी तीन पीढ़ी जो आदमी हुकूमत में रह गया उसके खत्म होने के बाद में सरकार ने जांच की, राजस्थान में 2 फुट उनका कहीं प्लाट नहीं मिला। है कोई माई का लाल ऐसा? अभी इस जमाने में हमारे शिव से एक एमएलए एक बार चुना गया, उसका जोधपुर में 40 करोड़ का बंगला बन गया और वो उनका सिंगा तो है देशभक्ति में। 5 साल एमएलए रहने से 40 करोड़ का बंगला बनता है, वो लोग अपने आप को देशभक्त कहलाते हैं। देशभक्त वो लोग हैं जो सेवा करके गैर उनके पास 2 इंच जमीन नहीं रही। इसलिए मैं आप सभी लोगों को एक नसीहत देना चाहता हूँ कि चाहे भले ही चंद दिन रहना पड़े, ईमानदारी से रहो और ईमानदारी से वक्त गुजारो। ये बड़े बड़े अरबपति करोड़पति इनके बंगलों में आकर कबूतर घूमेंगे, कोई कब्र में या आरोगी में ये नहीं आएंगे काम। अपने अमाल से सिवाय सड़क कहो चाहे जन्नत कहो नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी सभी साथियों से
बहुत अदब के साथ अर्ज है कि अपनी ईमानदारी की लाइन न छोड़े और एक ईमानदारी की मिसाल रखें तो बेहतरीन होगा। आखिर में मैं इस मौके पे एक हरित जी को सुझाव देना चाहता हूँ। पंचायत चुनावों में हमने कई सालों से भाग लिया और इस चुनाव में भी लिया। हमारे कानून में बहुत त्रुटि है, इसको आप संशोधन कराओ। एक तो ये किया कि तीन बच्चों होने के बाद में वो आदमी चुनाव लड़ नहीं सकता। आज आधुनिक युग है, सभी महिला और मर्द अधिकांश पढ़े लिखे हैं। नसबंदी की जरूरत पड़ी, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वो आपके कहने आपके दबाव बिना भी लोग धनाधन कराते रहे। लेकिन एक डेमोक्रेसी के कानून में किसी आदमी को रुकावट के लिए कानून बनाना, ये मेरे ख्याल में जमहूरियत के खिलाफ है। दूसरा, लोकसभा और विधानसभा में जैसा एक कानून बना है कि आदमी जिस दल से चुन के आया है उस दल के विरुद्ध वोट नहीं डाल सकता, वो राजस्थान पंचायत एक्ट में भी आपको संशोधन करना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार रुकेगा। अन्यथा इस भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा रास्ता मजबूत मिल रहा है, गरीब और ईमानदार आदमी कोई चुनाव में खड़ा ही नहीं होगा, ये जनहित में नहीं होगा। मैं सभी बाड़मेर जिले के वासियों को और हमारे जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि महेंद्र चौधरी को जिला प्रमुख बनाया और जिला प्रशासन ने भी चुनाव की ईमानदारी से और सतर्कता से अच्छी व्यवस्था की। उनको भी धन्यवाद। जय।